नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। मेरा आज का विषय है, आपने ज्योतिष के अंदर पढ़े होंगे बहुत सारे योग, सूर्यादित्य योग बोल देते के हैं, रोचक महायोग बोल देते हैं, बहुत सारे योग हैं जो ज्योतिष के अंदर है। तो मैं यहाँ पर आज आपको बताने जा रहा हूँ विष्णु लक्ष्मी योग, यानी भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की कृपा हो जाए और ये योग हाथ के अंदर यदि बन जाए तो व्यक्ति किस तरीके से अपने जीवन का उच्च स्तर के साथ जीवन यापन करता है, लग्जीरियस जीवन होता है, कोठी बंगले होते हैं, अच्छी गाड़ियां होती हैं, पूर्ण संतान होती है, समाज में यश सम्मान के साथ साथ दूर तक ख्याति व्यक्ति को प्राप्त होती है। तो इसके लिए मैं बताने वाला हूं हस्तरेखा के अंदर वो ऐसी कौन सी स्थितियां होती हैं जिनके कारण व्यक्ति विष्णु लक्ष्मी योग को प्राप्त करता है। मैं एक हाथ के अंदर जो रेखा आपको बताने जाऊंगा, ऐसी हाथ में लेफ्ट हैंड में भी ऐसी ही रेखा का होना अनिवार्य है। यानी जो पर्वतों की स्पष्टता इधर राइट हैंड में हो, कभी कभी देखने में आता है लेफ्ट हैंड में अच्छी रेखा है, राइट में नहीं है, लेकिन समय समय से धीरे धीरे बन जाती है और उसके बाद दोनों हाथ की एक सी रेखाएं हो जाती हैं। वह अच्छी रेखाएं किस प्रकार की है जो आपके हाथ के द्वारा बताती है विष्णु लक्ष्मी योग, ये मेरा आज का विषय है। तो सबसे पहले इस योग के लिए एक बहुत अनिवार्य रेखा है और वो रेखा है आपके पास यहां भाग्य पर्वत तक पहुंचने वाली रेखा। ये आप देखते हैं कि भाई आपके पास में आयु रेखा है, यहां पर आप प्रत्येक व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है हृदय रेखा, और किसी भी पर्वत से चलकर, इस पर्वत से चलकर, नीचे मणिबंध से चलकर या बीच मध्य से चलकर के एक रेखा होती है भाग्य रेखा। किसी भी तरीके से कोई ऊपर दो तीन रेखा की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास में एक सीधी स्पष्ट रेखा यहां पर आपकी यहां पर ये निकली है और सीधी शनि पर को पहुंच गई। यानी मणिबंध से जुड़कर यदि चली है तो इसके फल अन्य होंगे, मणिबंध से हटकर चंद्र पर्वत से चली है उसके फल अलग होंगे, शुक्र पर्वत से इन्वॉल्वमेंट है तो उसके फल अलग होंगे, और यहीं से चलकर चली है मध्य से कहीं से तो उसके फल अलग होंगे। अगर यहां से मिलकर चली है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर वो भाग्य रेखा जो शनि पर्वत तक पहुंच गई है, कुल मिलाकर के अगर मणिबंध से चली है तो व्यक्ति को पीछे से भी धन मिलता है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है। यहां से एक रेखा का संबंध ये विष्णु लक्ष्मी योग के लिए एक रेखा का संबंध यहां पर ये जाना जाएगा। एक बात और, आपके हाथ में जब मैं विष्णु लक्ष्मी योग बनाने जा रहा हूं, आपका हाथ साधारण है, दार्शनिक है, कर्मठ शैली का है, किसी भी शैली का आपका हाथ है, उसमें यदि ये रेखाएं विष्णु लक्ष्मी योग की बन गई, अभी मैं और रेखाएं बताऊंगा आपको, तो आप निश्चित रूप से एक अरब, दो अरब, चार अरब, छह अरब, कितनी संपत्ति होगी इसको आप गिन नहीं सकते। तो कुल मिलाकर सबसे पहले शनि रेखा का संबंध जरूरी है, क्योंकि धन रेखा कहलाती है ये रेखा, और ये शनि की उंगली तक लगभग लगभग मध्य तक पहुंचनी चाहिए, इधर नहीं जानी चाहिए, इधर नहीं जानी चाहिए, मध्य में पहुंचनी चाहिए। दूसरा, पर्वत किसी भी प्रकार से दबाना हुआ, दोनों ही हाथ के अंदर ये रेखा होनी चाहिए,
इसके बाद में एक और रेखा, यह आपका सूर्य का पर्व है। सूर्य के पर्व पर रेखा भाग्य रेखा से मिलकर पहुंचे या स्वतंत्र रूप से छोटी पहुंचे या स्वतंत्र रूप से बड़ी पहुंचे, एक पर्वत यहां उठा हुआ है, किसी प्रकार का कोई काला चिन्ह नहीं, कोई बुरा चिन्ह नहीं, कोई भी किसी प्रकार की स्ट्रेसिस नहीं। ये रेखा यहां से मिलकर पहुंच जाए, यहां से पहुंच जाए, सूर्य रेखा इधर से निकल के पहुंच जाए, यहां से निकल के पहुंच जाए, वो कहीं से भी निकल कर पहुंच जाए, लेकिन सूर्य पर्व उन्नत होना चाहिए। इस पर किसी भी प्रकार की यानी पर्वत सभी उठे हुए होने चाहिए और ये रेखा यहां पर पहुंच जाए। इसका संबंध यदि भाग्य रेखा से है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसका संबंध यदि शुक्र पर्वत से है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ये रेखा यहां स्पष्ट होनी चाहिए, यहां पर्वत पर स्पष्ट होनी चाहिए और सूर्य पर्वत तक पहुंच जानी चाहिए, चाहे भले ही ये रेखा यहां केवल इतनी ही क्यों ना हो। तीसरी रेखा अगर देखें आप तो आपको पता लगेगा, ये दूसरी रेखा बताई मैंने आपको, ये तीसरी रेखा की यदि मैं बात करता हूं तो यहां पर अगर इस प्रकार से रेखा बन गई है ये सूर्य पर्व की और ये बुध पर्व से कोई रेखा निकली और जाकर के इसका संबंध भी आपकी इसी रेखा के साथ हो गया है, यानी के सूर्य पर्व, बुध पर्व और धन पर्व तीनों के तीनों पर्व उन्नत है, तो ऐसे व्यक्तियों के दोनों हाथ के अंदर ये सेम रेखाएं होना जरूरी है, चाहे उनका संबंध यहां से हो या केवल और केवल यहीं पर खड़ी हुई रेखा है, तब भी उतना ही इनका फायदा होता है। कुल मिलाकर दोनों हाथ में व्यक्ति जब ये रेखा यहां से नहीं चलती और उसकी रेखा भाग्य रेखा यहां दूरी से चलती है तो ये व्यक्ति अपने आप से स्वयं गरीब घर में पैदा होकर के और उन ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं कि लोग दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। तो ये यहां पर शनि पर्व का संबंध, सीधे और उल्टे महिला या पुरुष किसी का भी हाथ हो, दोनों के अंदर अगर सामान्य रेखाएं एक समान रेखाएं होती है और इस प्रकार से उनका संबंध होता है तो ये व्यक्ति अपने आप में यहां पर विष्णु लक्ष्मी योग बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के हाथ के अंदर बहुत सा, कभी आप समझे कि ये तो कुल केवल गुरु जी ने इतना सा ही बताया था, तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं कि यदि आपको यही रेखाएं दिखाई देने लगे कि भाई ये रेखा यहां से निकली और एक रेखा यहां से जाकर ये मिल गई, तो संतान के द्वारा, यहां से निकली तो पत्नी के द्वारा, यहां से निकली तो सास के द्वारा, यहां से निकली तो कोई कोर्ट कचहरी मुकदमे किसी चीज से बहुत ज्यादा धन भी अचानक मिल गया तो ये धन और इन्वॉल्वमेंट हो गए या विदेश से जाकर के जोड़ने से ये अलग अन्य विषय हो गए। कुल मिलाकर के यदि आपके पर्वत ये उन्नत है शनि का पर्व, आपका पर्वत उन्नत है सूर्य का, आपका पर्वत उन्नत है यहां पर बुध पर्वत और भाग्य रेखा है, साथ में सूर्य रेखा है, साथ में बुध रेखा है, यहां पर एक स्वस्थ बिल्कुल बुद्धि रेखा है, तो बुद्धि रेखा भी देख लीजिएगा, वो भी एकदम स्पष्ट होनी चाहिए, वो कहीं पर भी कटी फटी या काले तीर या एक्स के द्वारा प्रभावित ना हो, आपका पर्वत प्रभावित ना हो, तो ये आपके हाथ के अंदर बन जाता है विष्णु लक्ष्मी योग। तो मैंने आपको बहुत साधारण तरीके से आज बताने का प्रयास किया है कि आप अपने हाथ में, दोनों हाथ के अंदर देखिए, आप पैतृक संपत्ति से बने, आप स्वतंत्रता से बने, लेकिन ऐसा व्यक्ति बिल्कुल एकदम जीवन के गरीबी से पैदा होता है और दुनिया की ऊंचाइयों के साथ करोड़ों अरबों का धन प्राप्त करता है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको प्रकाश डालता रहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहें, नमस्कार।